हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज फिर एक बार आपको मैं अपने चनाब ब्रिज के रिलेटिव ही कुछ लेके आया हूँ। तो बता दूँ, मैं चनाब ब्रिज के बाद में जो हमारा टनल है वो ये सामने आप देख सकते हो, T6P1। तो मैंने लास्ट एक बार आपको दिखाया था कि T5 का P2, तो T5 का P2 है जो वो है बक्कल में। T5 के P2 के बाद में 43 ब्रिज नंबर आता है, और उसके बाद में चनाब ब्रिज, और उसके बाद में T6 का P1 आता है। तो मैं बता दूं कि T6 का जो P2 है वहाँ से काम अभी चालू हो चुका है पटरी का। तो ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बंद किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ अंदर जा नहीं पाए और यहाँ पे अंदर पानी रहता है भरा हुआ, इसीलिए इसको बंद किया गया। ये चनाब ब्रिज वाली साइड है, आप देख सकते हो, और ये है T6 का P1। तो गाइस बता दूं मैं आपको, जी जल्दी ही पटरी का जो काम लगा है अंदर, तो T6 के अंदर में पूरी पटरी बिछाई जाएगी और वो ही जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं हम चनाब ब्रिज के पास। ये आप देख सकते हो चनाब ब्रिज, और लेटेस्ट यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू आज देखने को मिल रहा है। तो धूप है इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये आप देख सकते हो पियर्स, जो हमारे चनाब ब्रिज कंप्लीट है उसके नीचे के कंक्रीट के पियर्स जो बने हैं, ये आप सामने देख सकते हो, पाइलन सामने। उसके बाद में अपनी क्रेन, केबल क्रेन चल रही है, केबल क्रेन अभी काम लगी हुई है। ये जोरों शोरों से काम अभी चल रहा है चनाब ब्रिज का। ये आज की कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके आया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे जितने भी नए बंदे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू अपडेट आपके सामने लेके आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।